नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में गन्ना किसानों को राहत मिलने वाली है, क्योंकि अब बिहार के गन्ना किसान अपनी परेशानी सीधे तौर पर अपने विभाग को बता सकते हैं। इतना ही नहीं, अब सभी गन्ना किसान सरकारी योजना की सारी जानकारी सीधे सीधे जान सकते हैं, क्योंकि अब बिहार सरकार ने गन्ना किसानों के लिए गन्ना उद्योग विभाग का अलग से पोर्टल बना दिया है, जिसकी जानकारी गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने दी, जिसके तहत उन्होंने बताया कि बिहार में गन्ना उद्योग से जुड़े किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए और सभी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग की तरफ से पोर्टल विकसित किया जाना है, ताकि केंद्र और राज्य सरकार किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने का काम कर सके। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जब से शाहनवाज हुसैन ने बिहार में उद्योग विभाग की जिम्मेदारी उठाई है, तब से उन्होंने बिहार में उद्योग की आंधी लाने की मानो संकल्प सी ले ली हो। यही कारण है कि बिहार में इथेनॉल पॉलिसी लॉन्च की गई है। इतना ही नहीं, इस पॉलिसी को लॉन्च करने के मामले में बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। वह इथेनॉल पॉलिसी के आ जाने से बिहार की तरफ निवेशकों का रुझान भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में गन्ना का उत्पादन और महत्व दोनों बिहार में बढ़ गया है। यही कारण है कि गन्ना उद्योग विभाग किसानों की सुविधा के लिए पोर्टल बनवा रहा है, जिसका लगभग 70% काम पूरा हो चुका है। वहीं इस महीने के अंत तक पोर्टल को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया। इस पोर्टल के माध्यम से किसानों का बकाया भुगतान और सब्सिडी की राशि सीधे उनके खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी जाएगी, जिसके बाद अब इस पोर्टल के आ जाने से सभी प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी हो जाएगी, जिससे गन्ना किसानों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, उस पोर्टल से किसानों को बीज की खरीदारी, अनुदान, बकाया राशि भुगतान समेत अन्य सुविधाओं की जानकारी आसानी से मिल जाएगी। इसके साथ ही किसानों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए विभाग की तरफ से जारी किए जाने वाले पोर्टल में लॉगिन करना बेहद ही आसान होने वाला है, जिससे कि अब कोई भी किसान इस वेबसाइट पर जाकर गन्ने की खेती से जुड़े किसी भी जानकारी को आसानी से हासिल कर सकता है। इसके साथ ही कुछ समय पहले गन्ना किसानों को लेकर सरकार ने भी बड़ी राहत दी थी, जिसके तहत नीतीश सरकार की तरफ से गन्ना किसानों को नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया गया था। इसके साथ ही बिहार के किसानों को इनपुट अनुदान देने की बात भी कही गई, जिसको लेकर कृषि विभाग खुद ही आपदा की स्थिति में हुए फसल नुकसान को करने वाला है। साथ ही आकलन होने के बाद अनुदान राशि मुहैया करवाने की पूरी व्यवस्था भी अब कृषि विभाग ही करेगा। सरकार के इस फैसले से लगभग 3,00,000 हेक्टेयर में गन्ना की खेती करने वाले लाखों किसान को बड़ी राहत मिलेगी। फरवरी 2021 में किए गए सर्वे के अनुसार चीनी उत्पादन के मामले में कभी बिहार देश का प्रमुख राज्य था। पहले राज्य में 28 चीनी मिलें चलती थी, अब इनमें से 9 मिलें ही चल रही हैं। इनमें से कई की स्थिति इतनी खराब है कि कब बंद हो जाए पता नहीं है। कई मिलों ने तो सीजन शुरू होने के बाद भी अभी तक गन्ना पिराई शुरू नहीं किया है। एक वक्त था जब बिहार देश के कुल चीनी का 28% उत्पादन करता था, अब यह सिर्फ 2.5% रह गया है। 2019-20 में बिहार में 674.05 लाख क्विंटल ईंक की पेराई हुई और 72.29 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ। हालांकि बिहार में इथेनॉल उत्पादन को लेकर बढ़ रहे निवेशकों के बाद अब गन्ना किसानों के अच्छे दिन आने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।